हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और संडे टॉक के वीडियो में। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी क्लास इंटर के, मतलब बोले तो इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी हैं, रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके एक ही बात पूछ रहे हैं कि इंटर का रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली हम इसी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आ गए हैं और आपको बहुत सारे बातों पर हम चर्चा करके इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि जब आपका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो 1 फरवरी से 11 फरवरी तक चला था। फाइनली ये तो बात क्लियर हो गई। और लगभग 13 लाख विद्यार्थी आप सभी शामिल हुए थे, टोटल 13 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। पिछले साल की अगर बात करें तो लगभग 6-7 लाख के करीब विद्यार्थी शामिल हुए थे। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में सोचिए कि उससे ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे, उससे ज़्यादा विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए थे। 13 लाख विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए हैं। अब इसमें देखना है कि कितने परसेंट रिजल्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले बार जो 6-7 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे उसमें 80% रिजल्ट हो गया था। और इस बार देखना है कि क्योंकि अभी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी टॉप किए हैं। लगभग 450 विद्यार्थी जो है ना बिहार टॉप किए हुए हैं। सोचिए उसमें से आप भी हो सकते हैं। तो बस आप जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको यही ना इंतज़ार है कि मैं कब बता दूँ कि आपका रिजल्ट। तो देखिए, मैं आपको बताऊँगा, बस आप बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, 13 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं और 13 लाख विद्यार्थी में इस बार 450+ विद्यार्थी बिहार टॉप किए हैं। ये तो परफेक्ट है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। सो फाइनली एक बात तो क्लियर जरूर हो गई मेरे वीडियो के माध्यम से कि इस बार 13 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं, जिसमें से 450+ विद्यार्थी बिहार टॉप किए हैं, उसमें से आप भी हो सकते हैं। तो विदाउट एनी लेट अब चलिए हम लोग समझते हैं कि परीक्षा फल आएगा कब। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हमने जब चेक कर रहा था तो मालूम ये चल रहा था कि 20 तक आएगा, 20 मार्च तक परीक्षा फल आपका आ जाने वाला था। यानी कि कल, अगर आप मेरा आज वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि कल भी आने वाला था। तो ये नहीं सोचिएगा कि आपका रिजल्ट कल नहीं आएगा, कल भी आ सकता है। ये तो गारंटी है कि कल भी आ सकता है, यानी आ सकता है वाला मैं गारंटी में दे रहा हूँ। अगर नहीं आया कल तो आपका रिजल्ट बनकर तैयार है उसके अगले दिन, यानी परसों 21 मार्च को अगर नहीं आया तो 22 मार्च को आना तय है। बस आपका यहाँ पर रिजल्ट का इंतज़ार, जो आप बहुत बेसब्री से, बिल्कुल आपके अंदर बेचैनियाँ चल रही हैं कि मेरा रिजल्ट क्या है, तो एकदम आप निधड़क रहिए, एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आप बहुत बढ़िया लिखे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। हो सकता है कि अगर आप बिहार टॉपर में होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ भी गया होगा, आपके घर चिट्ठी आ भी गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो डायरेक्ट आपको पता चल भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन टैग हो रहा होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि आखिर मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं चेक कैसे करूंगा। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट चेक करने के कुछ वेबसाइट में लिख करके लाया हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हाउ टू चेक रिजल्ट। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आप सबसे पहले बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। लिखिए कि biharboardonline.bihar.government.in। जैसे ही इस पर जाएंगे होम पेज खुलेगा और उसके बाद से रिजल्ट चेक करेंगे। रिजल्ट चेक करेंगे, वहां से आपको जो जो इंफॉर्मेशन मांगेगा वो आप क्या करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे, उसके बाद से आपका रिजल्ट आपके पेज पर दिख जाएगा। उसके बाद से देखिए, अगर ये अगर बिजी चल रहा है, क्योंकि एकाएक जब रिजल्ट आता है ना तो बहुत सर्वर बिजी चलता है, तो अगर बिजी चलेगा तो इसको छोड़ दीजिए, sarkaririzult.com पर चले जाइए। ठीक है, sarkaririzult.com पर जाएंगे, उसी तरीके से मेनू फेस खुलेगा, उसके बाद से जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह, या रोल कोड, रोल नंबर की जगह पर कुछ थोड़ा बहुत अगर चेंजिंग रहेगा, रोल कोड डालने के बाद अगर माता पिता का नाम रोल नंबर की जगह पर डालने का दे दे तो भी आप डाल करके उसे चेक कर सकते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है ना, होम पेज खुलने के बाद उसमें डालने के बाद आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट दिख जाएगा। उसके बाद से अगर ये भी बिजी चल रहा है तो indiarizult.com पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। वहां पर भी जब indiarizult.com जैसे लिखेंगे एक मेनू फेस खुलेगा, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा, रोल कोड, रोल नंबर भर करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को अपने तक नहीं रखें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और आपका इंतजार बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि कल या परसों आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आई थिंक पूरा विश्वास है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से आ रहा है इससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि आपका रिजल्ट कल ही हो जाने वाला है। लेकिन अगर कल नहीं भी होता है तो उसके अगले दिन रिजल्ट आना ही आना है, ये आना तय है। तो चलते चलाते एक बहुत ही जरूरी और खास बातें आप लोगों के पास शेयर में करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्ञापन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से
क्लास टेंथ की ज़बरदस्त तैयारी होती आ रही थी और क्लास ट्वेल्व की कुछ सब्जेक्टों की तैयारी होती आ रही थी, बट आज के इस सेशन में जो अभी 23-24 सेशन जो क्लास ट्वेल्व विद्यार्थियों का है उसमें सिर्फ उर्दू हिंदी ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स का सबसे ज़बरदस्त सीरीज अमित सर के माध्यम से स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो को देखना कभी नहीं भूलेंगे, हर दिन के वीडियो को आप जरूर देखेंगे, मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अमित सर के द्वारा पढ़ाए गए मैथमेटिक्स का हर एक पहलू बहुत ही इजी होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, आपकी डायरेक्ट दिमाग में फिट होता है। विदाउट एनी हेजिटेशन वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।